नमस्कार दोस्तों, चार्ट ऑफ द वीक की एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्मार्ट गुरु मुकेश चैनल। दोस्तों, नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक के बारे में। जैसे कि हम लोग हर वीक में चार्ट ऑफ द वीक दो स्टॉक डिस्कस करते हैं, लेकिन आज भी हम लोग यहाँ पे एक ही स्टॉक का यहाँ पे मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ, जो स्टॉक्स में एक अच्छा रिवर्सल और दमदार चार्ट पैटर्न बनाए, वो स्टॉक्स यहाँ पे मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और आराम से ध्यान से देखें, और जो लेवल इम्पोर्टेंट लेवल हम लोग यहाँ पर बात करेंगे वो आप लोग को भी थोड़ा ध्यान से समझना है और उसको आपको खुद को एनालाइज़ करना है। ऐसा नहीं कि दोस्तों हम लोग किसी के कहने पे हम लोग स्टॉक बाइंग करेंगे, ऐसा नहीं। आप खुद स्टडी करो, उसके ऊपर थोड़ी आप ही चार्ट को रीड करना सीखो, ताकि आप लोग को भी एक अच्छा स्किल होना चाहिए आपका, और उसके ऊपर खुद का डिसीज़न लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग कोई भी स्टॉक को बताएंगे बाइंग का तो हम लोग उसमें बाइंग करेंगे। जो भी लेवल हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो एजुकेशन पर्पज़ का मकसद है। जो वीडियो में हम लोग कोई भी स्टॉक का लेवल देते हैं तो ऐसा नहीं कि आप लोग तुरंत उसमें ख़रीदारी बिकवाली करो। इसमें मेरी कोई पर्सनल सलाह नहीं है कि ख़रीदारी बिकवाली करें, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले लास्ट वीक का जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किया था वो स्टॉक को यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो स्टॉक्स ने हमने हम लोग को बाइंग के लिए दिया था वो अभी उस लेवल के आसपास ही चल ट्रेड कर रहा है। तो जैसे कि मैंने हमने जो बताया था, उस स्टॉक्स ने 319 का हाई लगाया, उसके बाद में वो स्टॉक्स फिर हमारे बाइंग लेवल के आसपास आया है। तो अगर आपने बाइंग किया है तो हम उस जो लास्ट वीक का कैंडल है उसका लो का स्टॉप लॉस रख के उसमें आप लोग जो भी स्टॉप लॉस बताया वो स्टॉप लॉस के साथ में आप उसमें होल्ड करिए। जैसे ही हम लोग इसके ऊपर एक 315 के ऊपर सस्टेन होते हैं तो बाद में हम लोग यहाँ पे बाइंग के साइड में आगे अच्छे लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो उसके ऊपर ज़रूर ध्यान में रखें, और अगर बाइंग नहीं किया है तो उसके ऊपर ज़रूर ध्यान में रखें। वो जैसे ही उस हाई के कैंडल के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर हम लोग, मैं थोड़ा आपको उसका चार्ट भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, चार्ट मैंने ओपन किया था लास्ट वीक का सुवेन फार्मा आर्टिकल्स। तो इस चार्ट में मैंने आपको यहाँ पे क्लियर बताया आपको कि यहाँ पे इस हाई के ऊपर निकलता है तो हम लोग 500 के ऊपर निकलता है तो हम लोग यहाँ पे सस्टेन हो, तो सॉरी दोस्तों मैंने 300 का बताया, लेकिन यहाँ पे 500 के ऊपर निकलता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ऊपर गया तो है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऊपर गया लेकिन इसने सस्टेन नहीं हुआ है। इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई? जहाँ पे हमारी बाइंग प्राइस है। तो अभी हम 500 के ऊपर जैसे ही सस्टेन होगा इस कैंडल के हाई के ऊपर, तब हम यहाँ पे बाइंग का फिर से नई जो एंट्री है वो बनाएंगे। तब तक अगर आपने बाइंग कर ही लिया है तो इसके ऊपर ध्यान में रखिए कि जो इस कैंडल का जो हम लोग ने लो जो स्टॉप लॉस दिया था, यहाँ पे मैंने 450 का स्टॉप लॉस दिया था, तो वो स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप इसमें होल्ड कर सकते हो। अभी तक हमारा जो चार्ट है वो ब्रेकआउट के ऊपर ही यहाँ पे अभी सस्टेन हुआ नहीं है, तो इसके ऊपर सस्टेन होने दे, एक दो दिन कैंडल डेली का क्लोज होगा तब भी हम लोग यहाँ पे फ्रेश बाइंग करेंगे। तो वेट करें, वॉच करें इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर निकलता है देन हम लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। तो क्लियर है कि यहाँ पे वेट करें कि एक दो दिन कैंडल डेली डे वन डे का कैंडल क्लोज होने का वेट करें। तो चलिए देखते हैं आज का चार्ट ऑफ द वीक, हमारा जो स्टॉक्स है उसके ऊपर हम लोग देखते हैं कहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, क्या टारगेट होना चाहिए और कितने टाइम के लिए हम लोग इसमें चार्ट में यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें भी सेम पैटर्न यहाँ पे आप देख सकते हो, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक अच्छा पैटर्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो इसमें भी बना है, और इसमें बना था लेकिन वॉल्यूम आप यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए इसका वॉल्यूम भी अच्छा खासा इसमें बना है, और वॉल्यूम हम देखें तो आप यहाँ पे इस कैंडल का वॉल्यूम देखिए, ज़बरदस्त वॉल्यूम इसमें आया है। और आप यहाँ पे देखिए, और ये ब्रेकआउट की कैंडल,
और एक हेड एंड यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एक बार उस पर फिर रिमूव कर लेता हूँ, ये हो गया हमारा कलर, ये हो गया हमारा लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, ये राइट शोल्डर हो गया। और आप यहाँ पे एक नेकलाइन लगाएंगे तो आप लोग को क्लियर से यहाँ पे दिखेगा। दोस्तों मैं ये मोबाइल में आप लोग को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों एक्चुअली मैं गांव में आया हूँ, मेरा पर्सनल फैमिली कुछ प्रोग्राम है तो यहाँ पे मैं आया हूँ, तो थोड़ा यहाँ पे इंटरनेट की सुविधाएँ थोड़ी अवेलेबल नहीं है, तो प्लीज़ यहाँ पे बिहेव करना। और यहाँ पे मैंने जो भी वीडियो बना रहा हूँ मोबाइल पे ही बना रहा हूँ क्योंकि लैपटॉप में या कोई इंटरनेट की ज़्यादा सुविधा नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है, तो मोबाइल में भी यहाँ पे मैं बहुत अलग ऊपर बैठ के यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ बिहेव करना। यहाँ पे आप देखेंगे तो अब इसमें हम बाइंग का लेवल देखें तो 415 के ऊपर इस स्टॉक्स में एकल लिमिटेड का जो चार्ट है, हम लोग 450 के ऊपर अगर निकलता है सस्टेन होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे ऐसा नहीं कि अगर वीक में जैसे कि लास्ट वीक में कैंडल बनी है ऊपर गया चार, यहाँ पे 520 गया लेकिन वापस उसने क्लोजिंग कहाँ दी, हमारे एंट्री प्राइस के आसपास। तो ऐसे इसमें अगर सस्टेन होता है एक दो दिन तो हम लोग यहाँ पे देन यहाँ पे बाइंग करेंगे। यहाँ पे 415 के ऊपर हमारी एंट्री होगी, फर्स्ट जो टारगेट रहेगा हमारा यहाँ पे हमारा रहेगा 550 का, सेकंड जो टारगेट रहेगा यहाँ पे 680 का, और थर्ड जो टारगेट रहेगा ये जो पिछला हाई है आप यहाँ पे देख सकते हो ये रहेगा 710 का, यानी 710 का सेकंड टारगेट रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम के ऊपर आप नज़र रखें क्योंकि देखिए दोस्तों पिछले जो वॉल्यूम है उसमें यहाँ पे कुछ हलचल नहीं हुई, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हुई नहीं है, और जैसे ही यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पे आप देखिए बड़ी बड़ी कैंडल आ रही है, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल बनती है तो हमें एक अच्छी अलर्ट होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे FIs DIs बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स वो लोग यहाँ पे बाइंग करते हैं और वो लोग ही एक स्टॉक को यहाँ पे प्रमोटर जो होल्डर होते हैं शेयर होल्डर बड़े बड़े FIs DIs वो लोग इन स्टॉक को यहाँ पे चलाते हैं, जैसे कि चलाते यानी कि वो लोग के पास ही ज़्यादा क्वांटिटी रहती है तो वो लोग ही यहाँ पे जैसे ही ख़रीदेंगे प्राइस ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे प्राइस जैसे ऊपर यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी इसके हाई के ऊपर तो यहाँ पे बड़े बड़े FIs DIs लोगों ने बाइंग की है, तो हम लोग भी यहाँ पे जैसे एंट्री करते हैं हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, अब जहाँ पे हमने टारगेट तो ये कर लिया लेकिन स्टॉप लॉस क्या होगा, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों 360 का, जो ये शोल्डर है राइट शोल्डर इसका लो के नीचे आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, वो निकल के आ रहा है आपको यहाँ पे मैं बता दूँ 360 का आप रख सकते हो। अगर आपको लॉन्ग टर्म का रखना है तो यहाँ पे 330 का रख सकते हो, ये 330 का आपको बेस्ट रहेगा क्योंकि आप ज़्यादा स्टॉप लॉस छोटा रखोगे तो स्टॉप जैसे कि 10-15% डाउन साइड में मूवमेंट भी कभी कभी करता है तो आपका ऐसा लेट होगा, तो आपको यहाँ पे इस लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है तो आप अराउंड 325-230 का स्टॉप लॉस रख के ये आपको 710 का टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हो इस स्टॉक में। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो चार्ट ऑफ द वीक का, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।